भक्त कोकिल वर्णन करते हैं कि श्री यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आयो कि चलो आपस में मिल ली हो जाए, दोनों मिलवे को मन बना में। तो श्री साकेत धाम से राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर के हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में एक साथ भाव आया मिलने जाएंगे, तभी बीच रास्ते में दोनों मिल गई। बोले अरे बहन मैं तो तुमते ही मिलवे आ रही। बोले आज मेरे मन में भी भाव उठो कि मैं आपसे मिलवे चलूं तो मैं गोलोक धाम आ रही। अरे बहन बड़ी पधारी, चलो गोलोक धाम ही चलो। और श्री कौशल्या जी को लेकर के यशोदा मैया गोलोक धाम आ गई। दोनों की गोद में लाला है, यहाँ राघव जी हैं, वहां हमारे ठाकुर जी हैं। दोनों मैया आई आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान होगी। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। राम कृष्ण दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसी लीला का दर्शन भक्त कोकिल कर रहे हैं। बोले आहा दोनों कैसे हैं। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। चुप क्यों बैठे, आपका मौन है, गाओ सब लोग। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु पीत वसन और तन घन श्याम, पीत वसन और तन घन श्याम। हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल कैसे हैं। बोले दोनों में कोई अंतर ही नहीं बता सकता, बिल्कुल एक जैसे हैं श्री कृष्ण और श्री राम। हमारे लाला थोड़े से नेक, बस दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। बोले क्या, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी, बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है। बाकी नाक होठ कान गाल हाथ पैर सबरे गदमदराज हैं ठाकुर जी, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, कोई अंतर नहीं बता सकता। बोले अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो, जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हों, धीर दिख रहे हों, गहरे दिख रहे हों, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चपल चपल इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, फिर इधर, फिर कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोले ये कन्हैया हैं। दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण था राम जी का, सो हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दें, कभी उनकी चोटी पकड़ ले, चल मेरे घोड़े आगे खड़े। राम जी बेचारे भोले भाले जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हों, चीखने लगे हों, छीन बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे उन्हीं को। आहा तभी सायंकालीन सत्र हो गया, दोनों मैयाओं की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली कौशल्या मैया, चलो बहन अब मैं चलूं वापस, फिर कभी आऊंगी दोबारा, अब की बार आप आना साकेत। यशोदा मैया बोली अब कहां बताऊं, जे बंदर किसी हड्डी है मेरे लाला के अंदर, इतना ऊधमी है या को कहीं ले जावे मुझको डर लगे, सब तोड़ फोड़ देवे, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी कभी। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया श्री कौशल्या मैया, दोनों बालक खेल रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए कौन बैठे हैं, श्री ठाकुर जी। सो धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी, सो ही हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं। और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में, दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूं साकेत कैसो है, या राम के सखान को मजा चखा के आऊंगो।
अब यहाँ राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है, यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, है तू ऐसे गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रो है, ना कछु कर रो है, ना उछल रो है, ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले गर्दन काई को हिला रो है, बोले चोना है हमको नहीं खाना है। जे कौन सी भाषा है लाला, तू तो ब्रजभाषा बोले, ये तेरी ब्रजभाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है। अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गयो क्या भाषा है? राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें? आहा, और वहां स्थिति क्या है? जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत, अब वहां तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है, दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहां साकेत, यहां गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खाएं। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो, यहां तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा आओ राघव आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले जे कहा है भैया, ये आसन पे मैं तो कभी बैठो ना हूं। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा, अरे देखो कौशल्या आज राम गोद में बैठ गए मेरी, शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के पाएंगे। अब तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए, सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैयां ले रहे हैं, आहा आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए से उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी के हैं, बोले राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी लई और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दियो, पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भए ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया? बोले ये राघव कर रहे हैं, ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले अरे आज वहां गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा करके। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में, बोले हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं, हे राघवेंद्र सरकार रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आपके खेलने का समय हो गया, आइए विराजिए। वहां तो इतनी आज्ञा से बुलामे और वहां पे ओ लाला कहा कर रो है रे, जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है बन में चरवे के काजे, हमारो डोलवे को समय है गयो, जल्दी आने करके नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोले सब। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे, सब सखा तो ऐसे निवेदित कर रहे हैं ये लीजिए गेंद इससे खेल ले राघव, आइए यहाँ खेलेंगे। ठाकुर जी ने गेंद ली, एक दूसरे के मुड़े मारने शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंक आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले आज राम जी को क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। और वहां स्थिति क्या है? दशरथ जी को वसुदेव नंद बाबा गोद में लेकर के बैठे हैं, राम जी से कह रहे हैं लाला आज कड़ी मत लगाइयो मेरी दाढ़ी ते और मो प्रेम ते पान दियो, नहीं तो देख लूंगा फिर मैं। नहीं यहाँ तो राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं ऊपर गोद में, उनसे बैठा ही नहीं जा रहा, कभी बैठे ही नहीं कभी गोद में, अब बार बार उतर करके वो तो नीचे आ जाए, फिर उठा करके गोद में रख ले नंद बाबा, फिर उतर के नीचे आ जाए। अब अपने हाथ से खिला, मैं उनको अभ्यास नहीं किसी के हाथ से खाने का, अपने हाथ से खाते हैं, आकर के थाली में से अपने आप तोड़ करके पा रहे हैं। यशोदा आज चंद्रमा कहां से निकलो, देखियो लाला अपने हाथ से भोजन कर रहा है। और बड़े प्रेम से कवल तोड़ते हैं लेकर के, प्रेम से पाते हैं।
बोले पता नहीं क्या हो गया, जब से राम जी से मिलके आए हैं, जब से राम जी आए हैं घर पे, तब से पता ना लाला हमारा बिल्कुल शांत सा हो गया। यहाँ ग्वाल बाल बुलाने के लिए आए, कन्हैया चल खेलवे को समय है गयो। अब राम जी बेचारे बड़े सीधे साधे हाथ जोड़ करके बाहर गए, बालक ने पकड़ ले, बोले आज बड़ो हाथ जोड़ रहो कावे लाला, कल तेने बहुत मार लगाई हमें, आज तो ना छोड़ेंगे हम। आज राम जी की बारी आ गई, सब ग्वालाओं ने खूब आनंद कराया, इतना उधम कराया महाराज, गीले कर लाए, जमुना जी में डुबाया है। राम जी बेचारे परेशान, रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सोमे। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी ने। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे, और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकता। और तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कहकर के पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो ये तो अदला बदली हो गई है, अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां दीर्घ गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतनो गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो दीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठता, मानो जैसे कितनी गहराई हो भीतर। यहां यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी माँ। आहा राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालक ने या कितनो गेरो, कितनो पटक दियो बेचारे, कितनो रोयो होगो, अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई, बीच रस्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी दोनों, गले से लगा ली। बोले दोनों में पता ही नहीं चली। बोले भैया, यशोदा मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रे वे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को धर अधर करके आ गया है। दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली पड़ गई है, पूरे पे कड़ी लगा दी है। ऐसे आनंद का वो भाव भक्त श्री कोकिल अपने भाव में वर्णित करते हैं। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। जब हमारे प्रभु श्री राम लला अभी मंदिर में विराजमान हुए, दास वहां उपस्थित नहीं हो पाया, मेरी कथा चल रही थी गुना मध्य प्रदेश में, पर महाराज जी उस दिन कथा में मन ही नहीं लग रहा था, योग बन रहा था कैसे भी पहुंचने का, पर बहुत दूरी थी तो जा नहीं पाया। तो शाम को जितने भी संत गए मैंने सबको फोन लगाया और सबसे बात करी। आप विश्वास माने, कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने सबसे यही पूछा, मैंने कहा हमारे रामलला कैसे दिख रहे थे, सब यही कह रहे थे। बोले पहली झलक देखते ही ऐसा लग रहा था वृंदावन के श्री ठाकुर जी खड़े हैं क्या। बोले वैसे ही वृंदावन चंद की जैसी कांति, वैसी चपलता, वैसी नटखटता, कोई अंतर नहीं है बंधुओं, दोनों दोनों एक जैसे बिल्कुल। गाओ दोनों बंधुओं, चित्त में एक छवि बनाओ, राम जी ने ऐसे गलवैया डाल रखी है ठाकुर जी के ऊपर, और ठाकुर जी ने गलवैया डाल रखी है राम जी के। कोई यदि चित्रकारी करना जानता हो, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें दोनों ठाकुर जी एक दूसरे के गले में गलवैया डाल रखी हो, यहाँ पर धनुषधारी राम जी, वहां पर वेणु बजा रहे श्री कृष्ण, एक ऐसी चित्र कोई अगर चित्रकार बनाए तो हम उसको उपहार देंगे, एक चित्र बना करके दो। कैसा चित्र बनाना है इस पद में सुनो। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम, धनुष
पुरुष बाण धर विमल वेणु कर धनुष बाण धर विमल वेणु पीत वसन और तन घन श्याम पीत वसन और तन घन श्याम हे मदन गोपाल हमारे राम मदन गोपाल हमारे राम। और दोनों की विशेषता क्या है, कितना सुंदर पद है ये। अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो अपने भुज जिन जल जल निधि मतलब समुद्र अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो अपने भुज जिन जल निधि बांध्यो रास रचा काम रास रचाए रचाए कोटिक धाम रास रचाए कोटिक धाम हे मदन गोपाल हमारे